उमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम अब्दुल गफ्फार खान। देश हम सबसे बड़ा है ये कहना बहुत सरल है, लेकिन इसका सच्चे दिल से पालन करना बहुत कठिन है। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि यहाँ अनेक ऐसे महान लोग हुए जिन्होंने देश की आजादी और खुशहाली के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान का जन्म उत्मानजई नामक गांव में लगभग 1890 ईस्वी में हुआ। ये गांव नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी उत्तर पश्चिम होता है। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक गांधी जी का संदेश पहुंचाया। वो अंग्रेजों के अत्याचारों के सामने कभी नहीं झुके। उन्होंने अपने समाज में शिक्षा और जागृति लाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उत्तर पश्चिमी सीमा पर अनेक पाठशालाएं खुलवाईं। अनपढ़ लोगों को ज्ञान का प्रकाश दिखलाकर उनके अंधविश्वासों को दूर किया। इसीलिए लोग इन्हें आदर से बादशाह खान भी कहते हैं। बचपन से ही उन्हें महसूस होने लगा था कि उनके इलाके के लोग अनपढ़ और अंधविश्वासी हैं। यहाँ तक कि प्राथमिक शिक्षा के बाद अब्दुल की आगे की पढ़ाई के लिए उनके माँ बाप को अपने रिश्तेदारों से लड़ना पड़ा। आखिरकार वो पढ़ने पेशावर गए। उन्हीं दिनों वो बारानी काका के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। बारानी काका उनकी देखभाल करने के लिए साथ ही भेजे गए थे। बारानी काका को अंग्रेजी हुकूमत और फौजी शान शौकत बहुत भाती थी। अरे अब्दुल बेटा, फौज का अफसर हमेशा सीने पे गोली खाता है। वो लड़ाई से भागता नहीं, हर काम मुस्तैदी से करता है। अच्छा काका, तो मैं भी फौजी अफसर बनूंगा। मैं भी बहादुर बनूंगा, दुश्मनों से लड़ूंगा, लड़ाई से कभी नहीं भागूंगा। एक फौजी बनने की इच्छा इतनी तेज हुई कि नौवीं कक्षा में आते ही गफ्फार खान ने फौज में नौकरी की अर्जी भेजना शुरू कर दिया। ऊंची और विशाल कदकाठी के पठान को फौज में भला कौन भर्ती ना करता। दोस्त, तुम्हारे आने का कब से इंतजार था मुझे। आओ अपने यार से गले तो मिल लो। अरे अब्दुल, तुम्हें भी इस फौजी वर्दी में देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। कैसे हो यार, बताओ। ठीक हूँ यार, तुम अपनी सुनाओ। आओ गफ्फार खान, हे तुम्हारा दोस्त है। आओ, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, क्या बाल है। तुम हिंदुस्तानी होकर फैशनेबल बाल रखता है, अंग्रेज बनना चाहता है। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, कौवा चाला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल बैठा। ओ दीज स्टूपिड इडियट्स। इतना अपमान, वतन की इतनी बेइज्जती मैं नहीं सह सकता।
बेहतर होगा कि मैं ब्रिटिशर्स का गुलाम फौजी न बनकर वतन की आजादी का सिपाही बनूं। तुम ठीक कहते हो अब्दुल, हमें इनका अपमान अब और नहीं सहना है, इसके खिलाफ आवाज उठानी है। ये था अब्दुल गफ्फार खान का पठानी स्वाभिमान और दिलेरी। उसी वक्त फौज की नौकरी से इस्तीफा देकर वो घर वापस आ गए। लगभग 1920 में टर्की में पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अन्याय के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू हो चुका था। उत्तर पश्चिमी प्रांत में इस आंदोलन की बागडोर गफ्फार खान ने संभाली। नतीजन उन्हें 14 साल की सख्त सजा काटनी पड़ी। इस आंदोलन की वजह से गांधी जी का सत्य, अहिंसा और त्याग का संदेश पहली बार पठानों तक पहुंचा। गफ्फार खान कलकत्ता में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी से मिले और उनसे इतने प्रभावित हुए कि जीवन भर के लिए गांधी जी के अनुयायी हो गए। गफ्फार खान ने पख्तूनों के लिए वही काम किए जिनका प्रचार प्रसार गांधी जी सारे देश में कर रहे थे। पख्तूनों में जागृति लाने का यह आंदोलन खुदाई खिदमतकार के नाम से जाना जाता है। ये खुदाई खिदमतकार लाल कुर्ती पहनते थे और समाज सुधार के जरिए उनका उद्देश्य था अंग्रेजों की दास्ता से आजादी। बादशाह खान अपने इसी विद्रोह के कारण अंग्रेजों के लिए भय का कारण बन गए थे, लेकिन एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके आंदोलन नहीं रोका जा सकता। पठान सरहदी गांधी का संदेश समझ गए थे, उन्होंने इस आंदोलन को बनाए रखा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गफ्फार खान ने गांधी जी को पूरा सहयोग दिया। गांधी जी द्वारा आयोजित हर आंदोलन में उन्होंने तन मन से काम किया। कठिनाइयों और अत्याचारों के सामने वे झुके नहीं, वे सांप्रदायिक एकता और देशभक्ति की बुलंद मिसाल थे। अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ। तब जब भारत बंटवारे की बात आई तो गफ्फार खान बहुत दुखी हुए। वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, लोग जाति और धर्म की लड़ाई से ऊपर उठें। वो लोगों को बताते, तुम सब खुदा के बंदे हो, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं, एक दूसरे से प्यार करना सीखो, सच्चाई, ईमानदारी और एकता ही सच्चे समाज की बुनियाद होती है। आजादी के इस सिपाही को 1985 में भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। हमारे लिए वो एक प्रेरणा पुंज की तरह थे। 20 जनवरी 1988 को पेशावर में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। उनके रहने से ऐसा लगता था जैसे गांधी जी हमारे साथ हैं। आज खान अब्दुल गफ्फार खान हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा और उनका आदर्श हमें सदा उन्नति की राह दिखलाते रहेंगे। अब्दुल गफ्फार खान। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। आलेख अर्चना प्रभाकर, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, कलाकार वीणा होरा, बाबला कोचर, अभय भार्गव, जैमिनी कुमार, यमन कौशिक और प्रभुदयाल खट्टर। ध्वनियांकन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।